अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के अवसर पर रेलवे स्टेशन तेरहा स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई, जिसके संबंध में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष उग्रसेन सिंह ने बताया कि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर हम लोगों ने 420वीं श्रद्धांजलि दी है। महाराणा प्रताप ने पूरे सनातन धर्म के लिए अनेकों कार्य किए हैं। वो हमारे देश को नई दिशा देने का काम किया है। उन्होंने मुगलों से लोहा लिया, इसलिए हम सभी मिलकर अपने देश व समाज को मजबूत करें। इस संबंध में गौरवपुन्नी से बात करते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह व प्रदेश अध्यक्ष उग्रसेन सिंह ने कहा, पुण्यतिथि पे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से हम लोग पुष्प अर्पित किए हैं और हम लोग महाप्रताप की श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज क्या संदेश देना चाहेंगे लोग? आज का दिन संदेश यह है कि हम लोग चाहते हैं कि महाप्रताप की पुण्यतिथि पे शपथ लें कि हम लोग उनको आदर्श मान के और क्षत्रिय समाज उस पर काम करें। सुनील कुमार सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। सभा के पूर्वांचल प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष के जी प्रदेश अध्यक्ष जो है आज के पावन पर महाराणा प्रताप जी के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हम उपस्थित होकर के उनको 420वीं श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। महाराणा प्रताप जी हमारे क्षत्रिय समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, सनातन धर्म के लिए। अगर महाराणा प्रताप नहीं रहते तो हमारे देश में सनातन जिंदा सनातन धर्म ही नहीं रहता। हम लोग कई मंदिरों में नमाज पढ़ रहे होते। इसलिए वो हमारे देश के ऐसे प्रणेता रहे हैं जिससे हम लोग हमारे समाज को एक नई दिशा और राष्ट्र धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए जो उनका प्रेम था, वह हमारे कोल भीलों के साथ लड़ करके, जंगली लोगों के साथ लड़ करके मुगलों से लोहा लिए, उसके लिए हम लोग जितना भी करें कम है। मैं अपने समाज को या अपने देशवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग, हम लोग मिल करके अपने देश को मजबूत करें और अपने क्षत्रिय समाज को मजबूत करें और एक नई दशा और दिशा देने का हम लोग प्रयास करें। मेरा नाम उग्रसेन सिंह, मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष।